जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड आरपीएफ रूल 72 हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल के लिए डेट अनाउंस कर दिया गया है और उसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी, वो लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में ये पूरा सॉल्यूशन हम आपको देंगे कि कैसे डाउनलोड करना है आपको एडमिट कार्ड, क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, उन सब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक आरपीएफ एलडीसी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जरूर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ वहां पर आपकी सहूलियत के लिए दो चीजों को इनरोलमेंट के हिसाब पर रखा गया है। एक तो है कोर्सेज का सेक्शन और दूसरा है आपको मॉक टेस्ट का सेक्शन। इसमें आप कोर्सेज के दौरान आप रीजनिंग के एक सिर्फ कोर्स ले सकते हैं, जहां पर की रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए गए हैं अंजलि मैम के द्वारा। साथ ही साथ आप आरपीएफ रूल 72 की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एएसआई हो, सब इंस्पेक्टर हो या फिर हेड कांस्टेबल हो, इस बार आपको नहीं लेना है, अगर अगली बार के लिए कर रहे हैं तो आप उसको जरूर इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर सारी चीजों को पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया गया है। और ये सारी चीजें आप यूट्यूब पर भी सब कुछ पाएंगे, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि आप खोजने में आपका ज्यादा समय, उस वीडियो को देखने में, नोट्स बनाने में आपका ज्यादा समय लगेगा, इसलिए उन सारी चीजों को हमने ऑर्गेनाइज करके वहां पर रख दिया है, जो आपके समय की बचत करता है और आपकी तैयारी को एक नया आधार देता है। अब आप अगर सारी चीजें पढ़ लिए हैं तो आपको इस कोर्सेज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो आप इसको कोर्सेज को ना लें, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इस कोर्सेज को लें। लेकिन आप मॉक टेस्ट को देकर के आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है तो मॉक टेस्ट की अहमियत बढ़ जाता है। यहाँ पर मॉक टेस्ट जो है उसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। इसके लिए एक डेमो टेस्ट भी वहां पर दिया गया है मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, आप वहां डेमो टेस्ट को अटेंड कर लीजिए। अगर आपको डेमो टेस्ट को अटेंड करने के बाद लगता है कि नहीं आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप अच्छे से आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, तो आपको आरपीएफ रूल 72 का जो पेड वाला है, इनरोलमेंट वाला है, उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये सारी चीजों का सार बस इतना है कि अगर आपको आपके ऊपर विश्वास है कि आप पूरी तरीके से एग्जाम के लिए तैयार है, तो यू हैव नॉट इनरोल दिस कोर्सेज और मॉक टेस्ट, आप इस कोर्सेज और मॉक टेस्ट को इनरोल नहीं करेंगे। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आपको शंका लगती है तो आप इसको इनरोल कर लेंगे, ताकि आपकी तैयारी में इनहेंसमेंट हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। तो हम आते हैं आज की इस वीडियो के टॉपिक में। तो हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी, इसके बाद जो है आपको डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों अगर आपके पास है तो इन तीनों चीजों को आप यहाँ पर, इन तीनों के बाद आपको चाहिए एडमिट कार्ड के लिए डाउनलोड लिंक। तो ये जो लिंक है, इस लिंक को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, जहां से कि आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अलग टैब पे गूगल पे लेकर के जाएगा, और उसके बाद क्या होगा उन चीजों को देखते हैं। गूगल पे ले जाने के बाद आपको ये जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन हमने कहा कि आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ रखना है, इसकी आवश्यकता वहां पर पड़ेगी। तो जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया तो देखिए आपको इस प्रकार से ये टैब खुल जाएगा, जहां आरपीएफ प्रमोशन एग्जाम कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल 1987 ऑल जोनल रेलवे 2003 एडमिट कार्ड। यहां पर मैं ये किसी का इंफॉर्मेशन है, मैं उसको यहां पर ब्लर कर दूंगा जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन डिजायर्ड इंफॉर्मेशन में आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो यहां मैं जिसका मोबाइल नंबर मेरे पास है मैं उसको इंटर कर रहा हूं, आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करिएगा। तो आपको जो चीजें मांगी गई थी उस डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को जब आप यहां पर इंटर कर देंगे, तो यहां मैं उन सारी चीजों को इंटर कर दिया हूं जो भी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन यहां पर मांगी गई थी, जिसमें मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद एक सिक्योरिटी कोड आपको दिख रहा होगा, उस कोड को आपको डालना है यहाँ पर, और उस कोड को डालने के बाद आप नीचे साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, जहां पर कि सबसे पहले आपको वेन्यू दिया होगा कि कहाँ आपका एग्जाम है। तो ये वेन्यू सेंटर आपका 10 बजे से 11 बजे से तक गेट क्लोजिंग हो जाएगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है, 11:30 से 1 बजे तक आपका एग्जामिनेशन है।
तो इसमें सबसे जो डिस्कस करने वाली चीज है वो है आपका इस मूवमेंट ऑर्डर में जो आपको क्या क्या चीज सावधानी बरतनी है। सबसे पहले कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल। आपका जो एडमिट कार्ड है ये आपको किसी भी प्रकार से यह अथॉरिटी नहीं देता है कि आप हेड कांस्टेबल बन गए हैं रूल 72 को, लेकिन ये बस एडमिट कार्ड है जहां की आप इसके ले जाकर के आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं सिलेक्शन के लिए। आगे कहता है किसी भी कैंडिडेट को जो है 11 बजे के बाद इंटर नहीं करवाया जाएगा एग्जाम सेंटर पे। आगे ये कहता है कि उम्मीदवार जो बिना एडमिट कार्ड के फोटो आईडी मूवमेंट ऑर्डर और इसके आएंगे तो उनको भी इंटर नहीं किया जाएगा। आगे ये कहता है कि कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपियर फॉर सीबीटी ओनली एट द सेंटर, जहां आपका एग्जाम है, जिस डेट को एग्जाम है, जिस समय एग्जाम है, उसी समय एडमिट कार्ड और मूवमेंट ऑर्डर के साथ आपको इंटर कराया जाएगा। रिक्वेस्ट इफ एनी फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर डेट एंड टाइम विल नॉट बी इंटेटेड। अगर परीक्षा केंद्र की तारीख और समय में बदलाव के लिए कोई अनुरोध कर रहे हैं आप, तो उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। आपका एग्जाम जो है उसमें एग्जामिनेशन विल कमेंस आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल फॉर्मेलिटीज लाइक चेकिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड कलेक्शन ऑफ एडमिट कार्ड का मूवमेंट ऑर्डर ETC। आपका बायोमेट्रिक जो है अटेंडेंस होगा, आपका एडमिट कार्ड और मूवमेंट ऑर्डर का कलेक्ट किया जाएगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अंटिल द एग्जामिनेशन इज ओवर। जब तक एग्जाम ओवर नहीं होता तब तक आपको जो है अपने सीट पर बैठे रहना है, एग्जाम देते रहना है। आपके लिए बैग, बुक्स, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, हेडफोन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है। अगर आप इन चीजों को ले जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है उसको तो कैंसल या रिजेक्ट किया ही जाएगा, साथ ही साथ आपके खिलाफ DNAR डिपार्टमेंटल सॉरी डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, वहां पर आप इन चीजों से दूर रहिएगा। आगे कहता है कैंडिडेट्स मस्ट सरेंडर एडमिट कार्ड का मूवमेंट ऑर्डर एंड फोटो कॉपी ऑफ फोटो आईडी ऑफ विजिटर। अपना मूवमेंट ऑर्डर एडमिट कार्ड अगर इसका है तो फोटो कॉपी आपको उसको सरेंडर करना है फोटो आईडी इन विजिटर। फिर कहता है कैंडिडेट शुड स्ट्रिक्टली ओबे द इंस्ट्रक्शन। जो भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाता है इंस्ट्रक्शन उसको आप क्या करेंगे, मानेंगे। आपके लिए जो एग्जामिनेशन के लिए चीजें दी गई है वो ASCRPF हरिद्वार राइट टू ऑर्डर कैंसिलेशन, जो भी चीजें हैं अगर डेट ऑफ एग्जामिनेशन के समय किसी प्रकार की ये होता है तो वो कैंसिलेशन कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि CBT के लिए आप ओन अरेंजमेंट पे जाएंगे, आपको एकोमोडेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दिया गया है रफ सीट विल बी प्रोवाइडेड, आपको कागज पत्र लेके नहीं जाना है, वहां रफ सीट आपको दिया जाएगा, वहां आपको उसको रिटर्न भी करना है। उस पर कैंडिडेट अपना नाम, सिग्नेचर, रोल नंबर और ये सारी चीजें जो है ये विल बी प्रोवाइड टू कैंडिडेट आपको दिया जाएगा, आप वहां लिख करके उसको रखिए, उसके बाद आप वहां पर उसे जमा करके आएंगे। फिर दिया है कैंडिडेट कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड हिंदी, वो इंग्लिश हिंदी में आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। निगेटिव मार्किंग है 1/3 है, मतलब 1/3 का 0.33 मार्क का निगेटिव है। और अगर आपको किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होता है परीक्षा स्थल पे और या किसी प्रकार की आप गड़बड़ी करते हैं तो आपको एग्जाम से वॉकआउट कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। फिर कहता है क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर हेड कांस्टेबल, देर 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 80 क्वेश्चन ही आपको आंसर करने हैं और दो सेक्शन में यह रहेगा, पार्ट ए में आपको ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट बी में आपको 90 क्वेश्चन रहेंगे किसके, बाकी प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग और GK के। मॉक टेस्ट लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड बिफोर द एग्जाम, आपको एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट का लिंक जो है आपके मोबाइल नंबर पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप पेरेंट, फ्रेंड, रिलेटिव, कैंडिडेट विल नॉट, कोई भी आपके साथ रिलेटिव जाता है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। मस्ट फॉलो हाइजीन गाइडलाइन, आपको हाइजीन गाइडलाइन को भी फॉलो करना है। और नो सप्लीमेंट्री एग्जाम विल बी कंडक्टेड एनी सर्कमस्टेंसेस। तो आपके लिए ये जान लीजिए कि रूल 72 में सप्लीमेंट्री एग्जाम का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन रूल 70 में सप्लीमेंट्री एग्जाम का प्रावधान होता है। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा, समय से आप इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिए और आप उस एग्जामिनेशन में पहुंच जाइए और एग्जामिनेशन को अटेंड करिए। जाने से पहले हमने कम्युनिटी टैब में दो वीडियो का लिंक, जो 11 घंटे या 12 घंटे की जो मेरी लगातार क्लास है उस वीडियो को आप देख करके जाइएगा, साथ ही साथ एक और भी 1 घंटे का वीडियो है जो कम्युनिटी टैब में हमने डाला है, इन दोनों को देख करके जाएंगे तो आपके 48 नंबर किसी भी प्रकार से आ ही जाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, आप सारी प्रोसेस को समझ गए हैं, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।